ठीक है स्टार्ट करते हैं। न्यूक्लियर फिजिक्स में सबसे पहले कंपोजिशन ऑफ न्यूक्लियस, न्यूक्लियस तो न्यूक्लियस का साइज क्या होता है, न्यूक्लियस के अंदर क्या होते हैं, है ना, ये सब अपन एक बार देख रहे हैं। यहाँ पे न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर क्या होते हैं बेटा, यहाँ पर नाउ दिस इज द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर क्या रहते हैं, ये न्यूक्लियस है और न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन जिनमें पॉजिटिव चार्ज है ये प्रोटॉन्स हैं, ठीक है, और जिनमें कोई चार्ज नहीं है जीरो जीरो जिसमें लिखा मैंने ये न्यूट्रॉन्स हैं। तो प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स को कलेक्टिवली क्या बोला जाता है, न्यूक्लियॉन्स बोला जाता है, ठीक है, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन को कलेक्टिवली न्यूक्लियॉन बोला जाता है, ठीक है ना, तो प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। सर अभी कितने लेसन बचे हैं वैसे, क्या बेटा कितने लेसन बचे हैं वैसे अभी, छोटी छोटी न्यूक्लियर फिजिक्स 2-3 दिन का है, उसके बाद सेमीकंडक्टर कम्युनिकेशन 1 दिन का है बेटा। लेसन ऐसे काउंट करोगे तो 3 देखेंगे, बट ये बड़े बड़े टॉपिक नहीं है, सब छोटे छोटे टॉपिक, ठीक है, समझ गया। हाँ सर, इनमें उतना टाइम नहीं लगता जितना वेव मोशन, ग्रेविटेशन, इलेक्ट्रोस्टैटिक, उतना टाइम नहीं लगता इनमें। तो दिस इज द रेडियस ऑफ न्यूक्लियस, तो ये न्यूक्लियस है और किसी भी न्यूक्लियस को आप एक्स जेड ए या फिर एक्स जेड ए इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, किसी भी न्यूक्लियस को अगर आपको रिप्रेजेंट करना है तो आप ऐसा रिप्रेजेंट कर सकते हो या फिर इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हो, ठीक है, किसी न्यूक्लियस को, ओके। एंड न्यूक्लियॉन किसको बोलते हैं, न्यूक्लियॉन किसको बोलते हैं, तो न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन are called न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन को क्या बोला जाता है, आर कॉल्ड न्यूक्लियॉन्स, ठीक है, और जिनमें मैंने यहां पे पॉजिटिव चार्ज लिखा है दीस आर प्रोटॉन, एंड जिनमें मैंने कोई चार्ज नहीं लिखा है ये क्या होगा यहाँ पे, न्यूट्रॉन्स, ठीक है ना। तो अब प्रोटॉन में कितना चार्ज होता है, तो आप न्यूक्लियॉन किसको बोल रहे हैं, न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन को आप न्यूक्लियॉन बोल रहे हैं, ठीक है। एंड देन अब इनमें थोड़ा सा और बेसिक अपन देख लें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बारे में, एक और वन एटॉमिक मास यूनिट कितना होता है, या जिसको आप वन यूनिट बोलते हो, दिस इज इक्वल टू 1.67 × 10⁻⁻¹, कितना केजी होता है ये, −27 kg इज वन एटॉमिक मास यूनिट, एंड बेसिकली इट इज 1/12 ऑफ मास ऑफ कार्बन C6 12 एटम, इसको आप क्या बोलते हो, वन एटॉमिक मास यूनिट बोलते हो, ठीक है ना। तो हम यहां पे बात कर लें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के लिए, तो प्रोटॉन का मास और इस पे चार्ज कितना है, नाउ चार्ज एंड मास, ठीक है, यहां पे मैंने न्यूक्लियॉन ले लिया, दोनों न्यूक्लियॉन, Now,
चार्ज ऑन प्रोटॉन एंड ऑन न्यूट्रॉन. चार्ज ऑन प्रोटॉन इज जीरो एंड सॉरी चार्ज ऑन प्रोटॉन इज प्लस ई, दैट इज 1.6 × 10⁻¹⁹ कूलम. चार्ज ऑन न्यूट्रॉन इज जीरो एंड मास ऑफ प्रोटॉन इज 1.67 × 10⁻²⁷ kg and mass of neutron is a little bit greater than 1.6 × 10⁻²⁷ kg. तो जो प्रोटॉन होता है वो थोड़ा सा हैवी होता है, किसके कंपेरिजन में? न्यूट्रॉन ज्यादा हैवी होता है प्रोटॉन के कंपेरिजन में. इस पे कोई चार्ज नहीं होता, ठीक है ना. एंड वन एटॉमिक मास यूनिट कितना होता है? दिस इज इक्वल टू 1 यूनिट 1.67 × 10⁻²⁷ kg. तो अगर आप इनका जो मास है वो एटॉमिक मास यूनिट के टर्म पे देखोगे तो जो एग्जैक्ट फिगर है इनका वो मैं बता दूं एग्जैक्ट फिगर, बट ये मैंने एक रफ वैल्यू लिखा है एग्जैक्ट फिगर, ठीक है. एग्जैक्ट वैल्यू की अगर हम बात करें, भाई एग्जैक्ट वैल्यू कितनी इनकी, मास ऑफ प्रोटॉन इज 1.672 और ये 1.675 एंड एटॉमिक मास यूनिट के टर्म पे वन यूनिट इज 1.66 बेसिकली इट इज 1.66 × 10⁻²⁷, ठीक है. दिस इज द मास ऑफ एंड वन यूनिट एंड इनको भी हम एटॉमिक मास यूनिट के टर्म पे अगर देखेंगे सो मास ऑफ न्यूट्रॉन इन टर्म्स ऑफ एटॉमिक मास यूनिट इनको याद करने की जरूरत नहीं है ना. दिस इज 1.008665 यूनिट, ये न्यूट्रॉन का मास है. एंड प्रोटॉन का जो मास होता है इट इज नियरली 1.00782 के आसपास है, ठीक है. दिस इज मास ऑफ इट इज नियरली 1.008 यूनिट. बट इनको याद करने की जरूरत नहीं है ऐसा आपको, ठीक है ना. ये यूनिट में आपको याद करने की जरूरत नहीं है. एंड वन यूनिट इतना होता 1.66 × 10⁻²⁷ एंड हाँ बोलो क्या बोल रहे हैं. 727 है. 727 हाँ एनसीईआरटी में दिया है. हाँ वही एनसीईआरटी में 727 यूनिट. दिस इज द मास ऑफ प्रोटॉन यूनिट में. तो एक्चुअल में केजी इज नॉट द प्रॉपर यूनिट टू मेजर द मास ऑफ न्यूक्लियॉन्स क्योंकि इनके मास बहुत छोटे हैं. तो यूनिट एक एटॉमिक मास यूनिट में इनको डिफाइन किया जाता है जनरली, ठीक है ना. तो ये है इतना बेसिक इनका. अभी देखो हम बोल रहे हैं भाई कि जो ये अभी तक हम लोग क्या जानते हैं कि न्यूक्लियस के अंदर न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं. मतलब न्यूक्लियस किससे मिलकर बना है, या कंपोजिशन ऑफ न्यूक्लियस की बात करें तो न्यूक्लियस किससे मिलकर बना है, आपका न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन से मिलकर बना है. बट क्या प्रोटॉन भी किसी और पार्टिकल से मिलकर बना है? तो हाँ, ये जो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं ये क्वार्क से मिलकर बने. बट क्वार्क थ्योरी हमारे सिलेबस में नहीं है तो इसलिए हम उसके बारे में नहीं जा रहे. तो अभी हम क्या जान रहे हैं 12th स्टैंडर्ड तक, न्यूक्लियस इज मेड अप ऑफ या जो न्यूक्लियस है वो किससे मिलकर बना है, न्यूक्लियॉन से, मतलब न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन से. मतलब हम अभी सबसे छोटी जो यूनिट यहाँ पे देख रहा है वो कौन सी है आपकी, न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन. बट इनसे भी छोटा होता है, मतलब जो प्रोटॉन है या न्यूट्रॉन है ये भी
और छोटे पार्टिकल से मिलकर बना है, जिनको क्या बोला जाता है, क्वार्क जिनको बोला जाता है, ठीक है ना। और इन क्वार्क्स में चार्ज होते हैं, और न्यूट्रॉन में क्वार्क का अरेंजमेंट ऐसा होता है कि टोटल चार्ज जीरो होता है, और प्रोटॉन में क्वार्क का अरेंजमेंट ऐसा होता है कि इसमें चार्ज कितना होता है, प्लस ई के बराबर चार्ज आता है, ठीक है ना। सो रिमेंबर दिस। अब हम बात करेंगे इसकी रेडियस की, फिर इसका जो साइज होता है इसके, तो न्यूक्लियस का जो रिप्रेजेंटेशन है वो इस तरह से है। अब यहाँ पे व्हाट इज ए एंड व्हाट इज जेड, अब इसकी भी हम बात कर लेंगे, बट इस पेज का स्क्रीनशॉट तो पहले जल्दी से, इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो बेटा, इस पेज का ले लिए, स्क्रीनशॉट ले लिए क्या? हेलो, स्क्रीनशॉट ले लिए? यस सर। And now page number 2। अब न्यूक्लियस के साइज की अगर हम बात कर ले, न्यूक्लियस का साइज कितना होता है, ठीक है, साइज ऑफ न्यूक्लियस, तो रेडियस ऑफ न्यूक्लियस इज गिवन बाय, यहां पे मैं डिफाइन कर दूं, व्हाट इज जेड हियर, जेड इज नंबर ऑफ प्रोटॉन, जिसको आप क्या बोलते हो, एटॉमिक नंबर जिसको बोलते हो, एंड ए को क्या बोला जाता है, इट इज मास नंबर, एंड मास नंबर का मतलब क्या है यहां पे, इट इज टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन, या फिर इट इज टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, ठीक है। तो मास नंबर, ये देखो एटॉमिक मास और मास नंबर में फर्क होता है, मास नंबर इज अ इंटीजर क्वांटिटी कि भाई 10 होगा, 12 होगा, 15 होगा, लेकिन मास नंबर जैसे आपने देखा होगा ना, न्यूक्लियर मास या एटॉमिक मास की हम जब बात करते हैं तो वो थोड़ा अलग होता है, उसमें डेसिमल में कुछ पॉइंट्स आते हैं, तो ये एक आइडेंटिटी है, जैसे एक प्रोटॉन तो एटॉमिक मास नंबर क्या होगा, 1 होगा मास नंबर, लेकिन एक प्रोटॉन का मास कुछ अलग होता है, तो मास नंबर इज अ इंटीजर, है ना, मास नंबर, मास नंबर और न्यूक्लियर मास में फर्क होता है, ठीक है, समझ गए ना। तो मास नंबर सिर्फ ये इनकी काउंटिंग है कि न्यूक्लियस के अंदर कितने न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स हैं, एंड जेड इज द नंबर ऑफ प्रोटॉन, या फिर चार्ज हम बोल देते, जेड इज द नंबर ऑफ प्रोटॉन और चार्ज, है ना, क्योंकि इसमें पॉजिटिव चार्ज है। एंड देन अब आगे हम बात कर लेंगे भाई, जो न्यूक्लियर रेडियस है ये किसके प्रोपोर्शनल होती है, So, यहाँ पे जो साइज ऑफ न्यूक्लियस है, यहाँ पे हम सीधा सीधा लिख दें, साइज ऑफ न्यूक्लियस, साइज ऑफ न्यूक्लियस आर इज प्रोपोर्शनल टू ए टू द पावर 1/3। साइज ऑफ न्यूक्लियस ये किसके प्रोपोर्शनल होता है बेटा, साइज ऑफ न्यूक्लियस इज प्रोपोर्शनल टू ए टू द पावर 1/3, सो दिस इज द साइज ऑफ न्यूक्लियस, ठीक है ना। और जब आप प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाओगे तो यहाँ पे कॉन्स्टेंट लग जाएगा, दिस इज आर नॉट एंड ए टू द पावर 1/3। तो जो साइज ऑफ न्यूक्लियस होता है वो किस पे डिपेंड करता है, इसके मास नंबर पे डिपेंड कर रहा है, एंड व्हाट इज आर नॉट हियर, दिस इज 1.2 फर्मी मीटर या 1.2 × 10⁻¹⁵ मीटर होता है ये, ठीक है ना। और अगर आप न्यूक्लियर वॉल्यूम की बात करोगे तो आप इसको कैसा स्ट्रक्चर कंसीडर करोगे कि दिस इज द स्फीयर, है ना, ये स्फीयर है, आप न्यूक्लियस को कैसा मानोगे, भाई ये स्फीयर है, तो जो वॉल्यूम आएगा इसका, नाउ द वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस वी इज इक्वल्स टू 4/3 πr³। तो आर क्यूब अगर इसको रखोगे तो नाउ दिस इज 4π/ या आर नॉट क्यूब इंटू मास नंबर। तो जो वॉल्यूम होता है इट इज प्रोपोर्शनल टू मास नंबर, ठीक है ना, समझ गए इतना कि नहीं? हेलो, अरे भाई समझ गए, समझ गए इसको, दिस इज द साइज ऑफ न्यूक्लियस, समझ गए या नहीं? समझ गए सर, दिस इज द साइज ऑफ न्यूक्लियस, हाँ,
तो जेड मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन, तो हम जैसे न्यूक्लियस पे चार्ज की बात करते हो, व्हाट इज द टोटल चार्ज ऑन न्यूक्लियस, तो टोटल चार्ज ऑन न्यूक्लियस कितना होगा, दिस इज जेड ई के बराबर जो टोटल चार्ज होता है न्यूक्लियस पे, है ना, क्योंकि जेड उसमें क्या है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है, तो एक प्रोटॉन पे चार्ज कितना होता है प्लस ई होता है, तो टोटल चार्ज ऑन न्यूक्लियस क्या हो जाएगा जेड ई हो जाएगा, है ना। एंड जो न्यूक्लियर रेडियस है साइज ऑफ न्यूक्लियस, ये किसके प्रोपोर्शनल होता है, साइज ऑफ न्यूक्लियस इज प्रोपोर्शनल टू ए टू द पावर 1/3, ए क्या है वहां पे मास नंबर, मास नंबर की पावर 1/3 के प्रोपोर्शनल, ठीक है, समझ गए, अरे समझ गए कि नहीं, हेलो ये समझ गया बेटा, इतना कोई डाउट है, हेलो समझ गए या नहीं, जल्दी बताओ, समझ गए सर। हाँ अब अपन आएंगे इसमें इसकी डेंसिटी के बारे में बात कर ले थोड़ा सा, बट डेंसिटी पढ़ने के पहले आइसोटोप मतलब एटॉमिक मास ऑफ, एटॉमिक मास जो पीरियोडिक टेबल पे लिखते हैं ना, पीरियोडिक टेबल पे जो हम एटॉमिक मास लिखते हैं उसकी बात कर लें, ठीक है, ये इतना क्लियर हो गया अभी, कोई डाउट यहाँ पे, क्लियर हो गया इतना, कोई डाउट है, हेलो क्लियर है इतना। नाउ पेज नंबर 3 पे आते हैं अपन, इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग, पेज नंबर 3 पे जा रहे हैं हम, इस पेज का स्क्रीनशॉट लो, ले लिए क्या स्क्रीनशॉट, हेलो स्क्रीनशॉट ले लिए, यस सर, देन पेज नंबर 3, अब हम न्यूक्लियस की डेंसिटी की बात कर ले थोड़ा सा, हाँ उसके बाद आगे बढ़ेंगे, न्यूक्लियर डेंसिटी, तो साइज तो समझ में आ गया, साइज कितना होता है, साइज किसके प्रोपोर्शनल है, ठीक है, अगर मैं यहाँ पे बात करूं, जैसे एक एग्जांपल ले लूं मैं, इफ मास नंबर इज 216 देन रेडियस विल बी गिवन बाय आर नॉट ए टू द पावर 1/3, सो देयरफॉर रेडियस इज इक्वल टू आर नॉट इन टू 216 पावर 1/3, तो ये 216 का क्यूब रूट आपको देखना है, क्यूब रूट किसके बराबर आएगा, ये याद है किसी को, 6, हाँ 6 का क्यूब रूट आएगा, 36 इंटू 6 बराबर है, सो इट इज आर नॉट 6 क्यूब पावर 1/3, 3 से 3 कट गया, सो इट इज 6 आर नॉट, तो अगर किसी न्यूक्लियस का जो मास नंबर ये इतना है तो उसकी न्यूक्लियर रेडियस लगभग 6 आर नॉट के बराबर होगी, 1.2 इंटू फर्मी मीटर, सो दैट इज 7.2 फर्मी मीटर के बराबर इसकी न्यूक्लियर रेडियस आएगी। नाउ अब हम बात कर ले न्यूक्लियर डेंसिटी, ठीक है, नेचर में सबसे ज्यादा जो डेंसिटी होती है वो वैसे न्यूक्लियस की होती है, अब देखो यहाँ पे किस तरह से न्यूक्लियस की डेंसिटी सबसे ज्यादा होती है, यहाँ पे न्यूक्लियर डेंसिटी मतलब मास ऑफ न्यूक्लियस डिवाइडेड बाय न्यूक्लियर वॉल्यूम, या वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस, मास ऑफ न्यूक्लियस डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस, ठीक है, एंड लगभग देखो न्यूक्लियस किससे मिलकर बना है, न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन से, और न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का मास लगभग सेम है, तो हम एक अप्रोक्सीमेटेड कैलकुलेशन कर रहे हैं यहाँ पे, मास ऑफ न्यूक्लियस इज मास नंबर इनटू मास ऑफ प्रोटॉन या फिर मास ऑफ न्यूट्रॉन, ये एक प्रोटॉन का मास और उसमें आपने मास नंबर का मल्टीप्लाई कर दिया, तो दिस इज द अप्रोक्सीमेटेड कैलकुलेशन, क्योंकि मैंने यहाँ पे क्या ले लिया है, यहाँ पे क्या ले लिया बेटा मैंने, अगर आपको एग्जैक्ट मास चाहिए तो फिर थोड़ा और अलग लिखना पड़ेगा, बट एक मैं नियरली कैलकुलेशन ले रहा हूँ, ए इंटू मास ऑफ प्रोटॉन, एंड वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस इज 4π/3 इंटू आर नॉट इंटू ए, आया ना, यही आया था ना फार्मूला अभी अपना, अरे समझ गए कि नहीं, समझ गए, यस सर, वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस, तो यहाँ पे देखो ए से ए कैंसिल हो गया, मतलब जो न्यूक्लियस की जो डेंसिटी आ रही है वो न्यूक्लियॉन किसी एक न्यूक्लियॉन के मास पे और ये कांस्टेंट टर्म पे डिपेंड कर रही है, साइज पे डिपेंड नहीं कर रही, ये हट गया मतलब साइज का रोल खत्म हो गया,
एंड दिस इज नियरली इक्वल्स टू 1.672 10 टू द पावर माइनस 27 केजी एंड होल डिवाइडेड बाय 4 पाई अपॉन 3 इंटू 1.2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 15 का होल क्यूब. और इसको जब आप सॉल्व करोगे तो लगभग लगभग 10 टू द पावर प्लस 17 केजी पर मीटर क्यूब आएगा. देखो कैसे बन जाएगा, 15 का क्यूब कितना होगा, 15 का क्यूब 45 होता है ना, तो ये माइनस 45 ऊपर जाएगा तो प्लस 45 हो गया. एंड प्लस 45 माइनस 27 अगर करोगे और कुछ और वैल्यूज बचेंगी यहाँ पे, तो जो डेंसिटी आ रही न्यूक्लियस की ये लगभग लगभग कितनी आती है, 10 टू द पावर 17 केजी पर मीटर क्यूब के बराबर है. आप इमेजिन करो पानी की डेंसिटी से कितना ज्यादा डेंस होता है न्यूक्लियस. सो इट इज नियरली कॉन्स्टेंट फॉर ऑल न्यूक्लियस वेदर दे आर स्मॉलर साइज और लार्ज साइज. तो जो न्यूक्लियर डेंसिटी होती है ना ये साइज पे डिपेंड नहीं करती, ये लगभग कॉन्स्टेंट है. सो दिस डेंसिटी इज कॉन्स्टेंट फॉर, या दिस डेंसिटी इज सेम फॉर ऑल न्यूक्लियस, चाहे छोटे न्यूक्लियस हो चाहे बड़े न्यूक्लियस हो, सभी के लिए डेंसिटी लगभग लगभग सेम होती है. सो दिस इज सेम फॉर ऑल न्यूक्लियस, सेम फॉर ऑल न्यूक्लियस. ठीक है, सभी न्यूक्लियस के लिए डेंसिटी एक जैसी होती है. इमेजिन करो कितना ज्यादा डेंस होता न्यूक्लियस, न्यूक्लियस की जो डेंसिटी है कितनी ज्यादा है. इमेजिन करो पानी की डेंसिटी कितनी होती है और अब उसके कंपैरिजन में इसकी डेंसिटी देखो न्यूक्लियस की. ठीक है, अरे समझ गए, हेलो समझ गए कि नहीं, समझ गया बेटा इतना? यस सर. अब इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो. ले लो स्क्रीनशॉट इस पेज का. कोई डाउट अभी यहां पे? सभी न्यूक्लियस की डेंसिटी एक जैसी है, आपको कैलकुलेट नहीं करना, ये फिगर याद रखना. न्यूक्लियस डेंसिटी लगभग लगभग 10 टू द पावर 10 टू द पावर 17 के आसपास. ठीक है, आप कैलकुलेट कर लो, द फिगर इज नियरली वेरी सेम, 1 पॉइंट कुछ ऐसा मिलेगा, बट आप उसको इतना मान लेना. ठीक है ना, एंड आगे बढ़ते अपन. हो गया क्या ये, स्क्रीन शॉट लो इस पेज का, 1 मिनट. ये पेज नंबर 2 है कि 3 है, ये 2 है या 3? 3. दिस इज पेज नंबर 3, पेज नंबर डालना तो बाद में पढ़ो. ले लो अभी इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो. हो गया क्या, ले लिए? हेलो, ले लिए क्या बेटा? यस. एंड अब हम आते हैं यहां पे एटॉमिक मास. एटॉमिक मास, नाउ पेज नंबर 4, एटॉमिक मास. एटॉमिक मास ठीक है, अभी तुमने पीरियोडिक टेबल में देखा होगा एटॉमिक मास, उसमें फिगर कुछ ऐसे मिलते होंगे आपको, जैसे सोडियम का एटॉमिक मास याद है क्या, पीरियोडिक टेबल में देखना. एटॉमिक मास
23 मास नंबर है उसका, दिस इज नॉट द एटॉमिक मास, 23 पॉइंट कुछ आता है यूनिट, ऐसा कुछ लिखा होता है, ठीक है। तो एक्चुअल में नेचर में, जैसे मैं एनसीईआरटी का जो डेटा है वो मैं ले रहा हूं, ठीक है, एनसीईआरटी का डेटा, आइसोटोप समझते हो ना, आइसोटोप, आइसोटोप समझते हो कि नहीं? यस सर। एक एग्जांपल के फॉर्म पे ले रहे हैं हम, नेचर में क्लोरीन के दो आइसोटोप हैं, सीएल मतलब क्लोरीन के दो आइसोटोप हैं, क्लोरीन के दो आइसोटोप, और इन दो आइसोटोप का जो मास है, एटॉमिक मास थोड़ा अलग अलग है, तो उस पर आप कैसे लिखोगे, दैट इज एक है 34.98 यूनिट और एक है 36.98 यूनिट, एक है 36.98 यूनिट, और इनका जो एबंडेंस है, इसका एबंडेंस ये नेचर में लगभग लगभग 75.4% पाया जाता है, और ये लगभग लगभग कितने परसेंट पाया जाता है, इट इज 24.6% पाया जाता है। तो क्लोरीन के ये जो दो आइसोटोप हैं, एक का एटॉमिक मास कितना 34.98 यूनिट और एक का एटॉमिक मास कितना है 36.98 यूनिट, ठीक है, ये नेचर में 75.4% और ये 24.6% पाया जाता है। तो फिर क्लोरीन का एटॉमिक मास कैसा लिखोगे आप? सो देयरफॉर एटॉमिक मास ऑफ क्लोरीन जो आपको पीरियोडिक टेबल में दिखता है, ठीक है, जो पीरियोडिक टेबल में देखेगा आपको क्लोरीन का एटॉमिक मास, सो दिस इज एम इज इक्वल्स टू, इनका वेटेज परसेंटेज आपको लेना है, दैट इज 75.4 इंटू 34.98 यूनिट एंड प्लस 24.6 इंटू 36.98 यूनिट एंड डिवाइडेड बाय वेटेज परसेंटेज है, वेटेड मास है, सो दिस इज 75.4 प्लस 24.6 एंड इसको सॉल्व कर दो, वैसे 100 से डिवाइड करना था, अगर तीन आइसोटोप रहते तो उनका वेटेड एवरेज वेटेड परसेंटेज आप मास निकालते, तो यहाँ पे सॉल्व करने पे ये जो वैल्यू आती है जो आपको पीरियोडिक टेबल में देखेगा, ठीक है, मैं जो डेटा एनसीईआरटी का वही मैं यहाँ पे ले रहा हूँ, एंड दिस इज 35.47 यूनिट, सो इट इज 35.47 यूनिट एंड नियरली आपको बुक में ये मिलेगा 35.5 यूनिट, ठीक है ना, सो दिस इज द मास ऑफ एटॉमिक मास ऑफ क्लोरीन एटम, तो आपको पीरियोडिक टेबल में ये देखता है, बट नेचर में ये दो आइसोटोप के फॉर्म पे पाया जाता है, एक का एटॉमिक मास 34.98 यूनिट जो 75% है एबंडेंस एंड एक है 36.98 यूनिट, समझ गए, अरे समझ गए या नहीं, समझ गए ये कि कोई डाउट है? समझ गए सर। हाँ, तो ये आपको इस तरह से एवरेज निकालना है कि मान लो आपको नेचर में ये आइसोटोप के फॉर्म पे दिए हुए हैं और उसका आपको एटॉमिक मास लिखना है पीरियोडिक टेबल में, तो वो इस तरह से लिखा जाता है, तो आप पीरियोडिक टेबल में जो पढ़ते हैं ना क्लोरीन का एटॉमिक मास 35.5 यूनिट, तो वो एक्चुअल में इस तरह से मेजर करके लिखा गया है, ठीक है ना। तो अभी इस पेज का स्क्रीनशॉट लो आप लोग जल्दी से, इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो, ले लिए क्या? हेलो, यस सर। एंड अब इसमें एक और बात है, आइसोटोप क्या होते हैं, आइसोटोन क्या होते हैं और आइसोबार क्या होते हैं, पता है ना ये आइसोटोप आइसोटोन एंड आइसोबार। नाउ पेज नंबर 5, दिस इज पेज नंबर 5, आइसोटोप किसको बोलोगे, आइसोटोप किसको बोलते हैं अपन, बताओ जल्दी से, आइसोटोप नंबर डिफरेंट एटॉमिक मास, सेम एटॉमिक नंबर, मतलब एक्स जेड ए वन या जेड वन ए वन एंड मान लो वाई जेड टू ए टू, ये है दो, तो आइसोटोप कब बोलोगे, इफ जेड वन इज इक्वल टू जेड टू
एंड ए वन इज नॉट इक्वल्स टू ए टू, है ना? एटॉमिक नंबर सेम बट मास नंबर डिफरेंट. एग्जांपल बता सकते हो क्या आइसोटोप के? जैसे T12, C14. एग्जांपल देखें, C6-12 एंड C6-14. ये दो कार्बन, ये रेडियो एक्टिव कार्बन होता है, ये अपना नॉर्मल कार्बन, स्टेबल कार्बन, सबसे ज्यादा स्टेबल. एंड एक और आप क्लोरीन का एग्जांपल ले लो, एक क्लोरीन 35 एंड क्लोरीन 36 एंड क्लोरीन 36, ये भी आइसोटोप है. क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17 होता है ना, है ना? तो ये आइसोटोप हो गए. हाइड्रोजन के तीन आइसोटोप होते हैं, 1H1, 1H2 एंड 1H3, ठीक है? 1H1, 1H2 एंड 1H3, ये क्लोरीन के आइसोटोप, ये हाइड्रोजन के आइसोटोप. हाइड्रोजन के तीन आइसोटोप है, हाइड्रोजन, न्यूट्रॉन एंड ट्राइटियम, ठीक है ना? अरे समझ गए. अब आइसोबार किसको बोलते हैं आप? आइसोबार, आइसोबार किसको बोलते हो? सेम एटॉमिक मास नंबर, डिफरेंट एटॉमिक नंबर. सो एक्स जेड वन ए वन एंड वाई जेड टू ए टू. तो ये आइसोबार कब आएंगे? इफ यहां पे जेड वन इज नॉट इक्वल्स टू जेड टू एंड ए वन इज इक्वल टू ए टू, मतलब मास नंबर सेम होने चाहिए, एटॉमिक नंबर यहाँ पे अब डिफरेंट बनते हैं, ठीक है ना? एंड देन इसमें आइसोबार में एग्जांपल्स हैं आप किसी को आइसोबार के? N14, C14. हाँ, इसके एग्जांपल अगर अपन देखें तो C14, C6-14 एंड N14, नाइट्रोजन एंड कार्बन. एंड तीसरा है यहाँ पे आइसोटोन. आइसोटोन, देखो आइसोटोप मतलब सेम प्रोटॉन नंबर. आइसोटोप का मतलब है सेम प्रोटॉन नंबर. आइसोबार का मतलब है सेम मास नंबर. एंड आइसोटोन का मतलब है सेम न्यूट्रॉन नंबर. न्यूट्रॉन नंबर, हाँ. तो ये ठीक है आइसोटोन. यहाँ पे आप क्या लिखोगे? जैसे एक्स जेड वन ए वन एंड वाई जेड टू ए टू. सो देयरफॉर ये आइसोटोन कब कहलाएंगे? इफ ए वन माइनस जेड वन इज इक्वल्स टू ए टू माइनस जेड टू, मतलब नंबर ऑफ न्यूट्रॉन अगर सेम रहेंगे तब अपन ये बोलेंगे यहाँ पे नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, ठीक है? सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन. तो a माइनस जेड ये किसको डिनोट करता है यहाँ पे? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन को. सो दिस इज नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, ठीक है ना? तो इफ ए वन माइनस जेड इज इक्वल टू ए टू माइनस जेड टू, सो ये क्या कहलाएंगे? आपके आइसोटोन कहलाएंगे. और इसके आप अगर एग्जाम्पल देखोगे तो 1H3 एंड हीलियम 4, तो ये क्या है यहाँ पे? दिस इज द आइसोटोन, 1H3, ट्राइटियम एंड हीलियम, दोनों में सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हैं, तो ये आइसोटोन कहलाएंगे, ठीक है? समझ गए? पेज नंबर 6 पे आते हैं अपन. हाँ, अगर मान लो मैं ये बोलूं, जैसे क्वेश्चन दे दिया मैंने, फाइंड मास ऑफ ऑक्सीजन न्यूक्लियस, ऑक्सीजन न्यूक्लियस का मास, फाइंड मास ऑफ ऑक्सीजन ओ न्यूक्लियस. और गिवन क्या दिया है यहाँ पे? देखो जो डेटा गिवन है, ऑक्सीजन न्यूक्लियस का आपको मास निकालना है. एक्चुअल में आप न्यूक्लियस का मास किसी भी टेक्निक से सीधे नहीं निकाल सकते, है ना? डायरेक्ट वो तो इनडायरेक्टली आप पता करते हो. डायरेक्टली तो अलग मेथड है. यहाँ पे ऑब्जर्व मास की मैं बात कर लू,
न्यूक्लियस का जो मास होता है या ऑक्सीजन न्यूक्लियस का मास, इस पे मास ऑफ न्यूट्रॉन, Mn मतलब मास ऑफ न्यूट्रॉन, इट इज 1.00866 यूनिट, एंड मास ऑफ प्रोटॉन इट इज 1.00727 यूनिट, एंड मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इट इज 0.000 एंड देन 55 यूनिट. एंड मास ऑफ ऑक्सीजन न्यूक्लियस, मास ऑफ ऑक्सीजन न्यूक्लियस ये गिवन है यहाँ पे, मास ऑफ ऑक्सीजन न्यूक्लियस O8 एंड 16, इट इज 16.12744 यूनिट. ये ऑक्सीजन का एटम का मास है बेटा, दिस इज एटॉमिक मास, एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन एटम, एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन. ठीक है, ये एटम का मास है. तो इसके ऑक्सीजन के न्यूक्लियस का मास आप कैसे निकालोगे? ठीक है, कैसे निकालोगे? एटॉमिक मास दिया हुआ है. एटॉमिक मास मतलब समझ गए? एटॉमिक मास, ये मास स्पेक्ट्रोग्राफ टेक्निक से निकाला जाता है. सो दिस इज द एटॉमिक मास. एंड जब हम किसी एटम की बात कर रहे हैं, जैसे ऑक्सीजन एटम की अगर हम बात करें, तो O8 एंड 16, इसका मतलब क्या हुआ? यहाँ पे प्लस 8e प्रोटॉन है या चार्ज है, एंड 8 इसमें क्या है? न्यूट्रॉन है. ठीक है, और बाहर इसपे माइनस 8 इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहे हैं, ये ऐसा. ठीक है ना? तो अगर आपको न्यूक्लियस का मास चाहिए, तो न्यूक्लियस का मास कैसे निकालोगे यहाँ पे? तो आपको चाहिए ये इतने पोर्शन का मास, और दिया किसका मास है? ये एटम का मास दिया है, जिसपे इलेक्ट्रॉन का मास भी इंक्लूडेड है. सो देयरफॉर मास ऑफ ऑक्सीजन न्यूक्लियस, मास ऑफ ऑक्सीजन न्यूक्लियस इज इक्वल्स टू मास ऑफ एटम या एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन माइनस कितने इलेक्ट्रॉन है? 8. तो 8 इंटू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन आपको सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, तब ऑक्सीजन न्यूक्लियस का मास आएगा. एंड इट इज 16.12744 यूनिट माइनस 8 इंटू 0.00555 यूनिट. और इसको सॉल्व करोगे तो ये अब ऑक्सीजन के न्यूक्लियस का मास आएगा. तो आपको जो डेटा दिए रहते हैं, सम टाइम हो सकता है आपको डायरेक्ट न्यूक्लियस का मास दे दे, लेकिन अगर एटम का मास दिया है और वहां से आपको न्यूक्लियस का मास चाहिए, तो एटम के मास में से आपको किसके मास को हटाना पड़ेगा? इलेक्ट्रॉन के मास को आपको हटाना पड़ेगा. ठीक है ना? तो इलेक्ट्रॉन मास को अगर आप हटा दोगे, और फिर फाइनली आपको क्या मिलेगा यहाँ पे? इट इज 16.12744 यूनिट माइनस, बराबर है यूनिट, और इसको सॉल्व कर दोगे, देन यू विल गेट द आंसर. यहाँ पे 3, 2, 5, 5, तो ये कितना बचेगा? 4, यहाँ पे 3, यहाँ पे 7 में से 4 गया, 3, 2, 1, तो इट इज 16.12334 यूनिट. अब ये सोचोगे सर इसमें फर्क क्या पड़ रहा है? एटम का मास है 1.2744 यूनिट, और यहाँ पे कितना आ रहा है न्यूक्लियस का मास? 16.12334 यूनिट आ रहा है. तो ऐसा देखने में तो बहुत ज्यादा फर्क नहीं लग रहा है, लेकिन आगे जब अपन कैलकुलेशन करेंगे, मास एनर्जी कैलकुलेशन या बाइंडिंग एनर्जी का जो कैलकुलेशन करेंगे, उसमें ये बहुत बड़ा फर्क डालते हैं. इसलिए ये छोटे छोटे जो दिख रहे तुमको ना यहाँ पे, ये कैलकुलेशन भी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं. तो इसमें जो न्यूमेरिकल्स हैं, जो कैलकुलेशन वाले न्यूमेरिकल्स हैं, उसमें बेटा एक ये जो डेसिमल और फिर यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन डिविजन, बस इतना ही है, और ज्यादा कुछ नहीं रहते इनके कैलकुलेशन में. तो अब मैं आ रहा हूं मास एनर्जी इक्विवेलेंस इसके बाद में. तो न्यूक्लियस का मास कैसे काउंट करना, ये समझ गए आप लोग? हेलो. तो यहाँ पे मास ऑफ न्यूट्रॉन एंड मास ऑफ प्रोटॉन का जो डेटा दिया हुआ है, ये मिसलीडिंग डेटा हो गया. अगर न्यूक्लियस का मास चाहिए, एटम का मास पता है, इलेक्ट्रॉन्स का मास पता है, तो आप न्यूक्लियस का मास सीधे यहां पर से ऐसे फाइंड आउट कर सकते हो. ठीक है, सो दिस इज दियर
ये कौन सा मास है इसका? ये एक्चुअल मास है, एक्चुअल मास ऑफ न्यूक्लियस, बट ऑब्जर्व मास कुछ और होता है, तो वो अपन बाइंडिंग एनर्जी से पढ़ेंगे, तो मैं वहां पे डिस्कस करूंगा। आप लोग इस पेज का स्क्रीनशॉट लो। ये कौन से नंबर का पेज है, कौन से नंबर का? ये आई भैया सिक्स है, हाँ स्क्रीनशॉट लो इस पेज का, स्क्रीनशॉट ले लो, ले लिए? ले लिए क्या? यस सर। और अब आ रहे हैं हम फिजिक्स के सबसे सुंदर फार्मूले पे, पेज नंबर 7। अब मास एनर्जी इक्विवेलेंस, दिस इज पेज नंबर 7, मास एनर्जी इक्विवेलेंस, और इसमें है फिजिक्स का सबसे सुंदर फार्मूला। ठीक है, क्या है मास एनर्जी इक्विवेलेंस? मैटर इज कन्वर्टेड इनटू एनर्जी एंड एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू मैटर, ठीक है ना? तो जो मास होता है, मास से आप क्या क्रिएट कर सकते हो, दिस इज मैटर, ठीक है, या इसका जो मास है ये सपोज एम है, और इससे आप क्या कन्वर्जन कर सकते हो, आप एनर्जी में कन्वर्जन कर सकते हो। एनर्जी मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन आप बना सकते हो। तो मैटर से आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन या मास से आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन बनाते हो। मास को आप एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हो और एनर्जी को आप किसमें कन्वर्ट कर सकते हो, मास में। और इस बात को बताया आइंस्टीन ने, क्या रिलेशनशिप बताया उन्होंने कि जो एनर्जी की रिलेशन है, ई इज इक्वल टू एम इंटू सी स्क्वायर, E equals to mc square, this is the mass energy equivalence. ये mass energy equivalence है बेटा, मतलब mass ये हो गया and c is speed of light. तो this is the energy के लिए E, और c is speed of light 3 into 10 to the power 8 meter per second. ये speed of light है। तो mass या matter को आप energy में convert कर सकते हो और energy को आप matter में convert कर सकते हो। ये किन्ने दिया था, आइंस्टीन इक्वेशन है, और ये फिजिक्स का सबसे सुंदर फार्मूला है, E equals to mc square, ठीक है। एंड अब हम यहां पे देख ले रहे हैं, एक ग्राम से कितने, अगर मान लो मास एक ग्राम है तो कितनी एनर्जी लिबरेट करेगा। अगर मैं यहाँ पे क्वेश्चन बना दू, फाइंड एनर्जी एनर्जी लिबरेटेड इन 1 ग्राम मास, तो ये कैलकुलेशन में आएगा m इंटू सी स्क्वायर, 1 ग्राम मतलब 1/1000 kg इंटू 3 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड का होल स्क्वायर। सो आफ्टर सॉल्विंग इट इज 9 इंटू 10 टू द पावर 16, और यहां पर से माइनस 3 जूल, सो इट इज 9 इंटू 10 टू द पावर 13 जूल के बराबर एनर्जी रिलीज करेगा। सोचो कितना ह्यूज अमाउंट है ये एनर्जी का। एक ग्राम मास अगर पूरा एनर्जी में कन्वर्ट हो जाए तो कितनी एनर्जी रिलीज होगी, 9 इंटू 10 टू द पावर 13 जूल के बराबर एनर्जी रिलीज करेगा। ठीक है, समझ गए कि नहीं? अरे समझ गए? हेलो, यस सर। तो अब आपको कैलकुलेशन करना है कि हाँ बोलो योजित सर, पर मास एनर्जी में कन्वर्ट कैसे होगा? कैसे होगा मतलब? सर ये आइंस्टीन ने जो बोले है ना कि मास, हम मास को हम कन्वर्ट कर सकते हैं एनर्जी में, तो एनर्जी में कन्वर्ट कैसे होगा मास? यार कन्वर्जन तो ऐसे डायरेक्ट आपको दिखेगा नहीं कि भाई आप मोमबत्ती जला रहे हो तो वहां पे कुछ ऐसा हो रहा है,
ये तो न्यूक्लियर एक्टिविटी में ही पता चलता है, इतना ऐसे नहीं पता चलेगा। और फिर जब अपन बाइंडिंग एनर्जी डिस्कस करूंगा तो थोड़ा और समझ में आएगा कि हाँ यार ये जो एनर्जी आई है ये मास के डिफरेंस के कारण आई है। तो ये जो लॉजिक लगाए उनने वो थोड़ा अलग तरीके से लगाए, ऐसा डायरेक्ट नहीं देखेगा आपको, ठीक है, कि आपके पास पैन है या फिर आप लकड़ी जला रहे हो तो फिर ये जो जलाने पे जो एनर्जी रिलीज होगी वो ये वाली नहीं है, क्योंकि जब आप जैसे लकड़ी जला रहे हो या कोयला जला रहे हो ना तो वहां पे सिर्फ गैसेस का कम्बशन हो रहा है, वो बाहर बाहर का है वो पोर्शन, मतलब उसमें सिर्फ आपका केमिकल रिएक्शन हो रहा है। और यहाँ पर ये जो कन्वर्जन आप सोच रहे हो ये न्यूक्लियर रिएक्शन वाले कन्वर्जन है ना, मतलब पूरा मास आप डिस्ट्रॉय कर दो, पूरा उसको पूरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन में कन्वर्ट करोगे तो फिर आपको ये इतना मिलेगा। तो जो आप नॉर्मली डे टू डे लाइफ में देखते हो वो ये नहीं है। हाँ, जो सोलर रेडिएशन आपकी आ रही है, सोलर रेडिएशन उसमें जो एनर्जी आ रही है उसमें ये मास कन्वर्ट होके आपको मिल रहा है। मान लो कोयला होता या कुछ और चीज होती जो सन में जल रही होती तो अब तक थोड़ी रहता है, इतनी एनर्जी कैसे रिलीज करता है, ठीक है, समझ गए। तो जो लार्ज या ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी जो लिबरेट हो रही सन में ना, उसका रीजन यही है, उसका जो सोर्स है ये न्यूक्लियर रिएक्शन, ठीक है योजित। हाँ सर, अभी इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग। और अब व्हाट इज द एनर्जी एसोसिएटेड विथ वन यूनिट मास, अगर एक ग्राम में इतनी एनर्जी रिलीज हो रही है तो वन यूनिट मास में कितनी एनर्जी रिलीज होगी, इसको अगर हम काउंट करें पेज नंबर 8 पे, ठीक है, दिस इज पेज नंबर 8, एनर्जी रिलीज इन वन यूनिट मास। तो अगर मान लो मैंने मास यहां पे कितना लिखा, वन यूनिट, तो वन यूनिट में कितनी एनर्जी आएगी, सो एनर्जी लिबरेटेड इन वन यूनिट मास, एक क्वेश्चन हम डाल दें यहां पे, सो एनर्जी इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर, और एम की वैल्यू कितना है, वन यूनिट इंटू सी स्क्वायर। अब आप वैल्यू पुट करो तो वन यूनिट अपन ने कितना पड़े, 1.66 × 10⁻²⁷ kg एंड स्पीड ऑफ लाइट 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड का होल स्क्वायर। बट इसको आप जूल के टर्म पे देखोगे तो ये उतना नहीं दिखेगा, इट इज 1.66 × 9 × 10⁻⁶, ये हो जाएगा 16 और ये 27 है, सो इट इज −11 जूल। अभी 9 का और मल्टीप्लाई करोगे तो −10 जूल के समथिंग समथिंग आएगा। तो वन यूनिट में ये उतना नहीं दिख रहा है, लेकिन हम इसकी यूनिट और चेंज कर देते हैं यहाँ पे। सो मैं अगर इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट कर दूं तो वन इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसके बराबर होता है, याद है ना, 1.69 × 10⁻¹⁹, 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट 1.6 × 10⁻¹⁹, और मेगा है तो सिर्फ इलेक्ट्रॉन वोल्ट लिखता हूं मैं यहाँ पे, इतने जूल रहेगा। और 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट मतलब 1 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट 1.6 × 10⁻⁶ और कम हो जाएगा तो −13 जूल। तो अगर इसको आपको किसमें कन्वर्ट करना है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करना है, तो जो एनर्जी है इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, सो देयरफॉर एनर्जी एसोसिएटेड विद 1 यूनिट इनटू सी स्क्वायर, 1 यूनिट इनटू सी स्क्वायर ये किसके बराबर रहेगा बेटा, 1.66 × 10⁻¹⁹ डिवाइडेड बाय 1.6 × 10⁻¹³। अब ये किसमें आएगा, आपका मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, एंड दिस वैल्यू इज नियरली 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इस रिजल्ट को आप याद रखो, वन यूनिट इंटू सी स्क्वायर ये किसके इक्वल होता है, 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर होता है, ठीक है, याद रखो इस रिजल्ट को। वन यूनिट एनर्जी किसके इक्वल है, 931.5, और कैलकुलेशन में आप इसको लगभग लगभग कितना ट्रीट कर लोगे, 931 ट्रीट कर लोगे अधिकतर कैलकुलेशन में, तो मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आप एनर्जी को इतना लिखोगे। अब मैं क्वेश्चन आपके लिए डाल देता हूं, अगर मान लो एक प्रोटॉन पूरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन में कन्वर्ट होता है, एक पूरा प्रोटॉन, तो कितनी एनर्जी रिलीज करेगा, एक पूरा न्यूट्रॉन अगर कन्वर्ट होता है तो कितनी एनर्जी रिलीज करेगा, ठीक है। तो यहां पे क्वेश्चन आप लोगों के लिए डाल दे रहा हूं, फाइंड एनर्जी रिलेटेड विथ
रिलेटेड विथ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन अगर पूरा खत्म होगा तो ये कितनी एनर्जी रिलीज करेगा, न्यूट्रॉन अगर खत्म होगा तो ये कितनी एनर्जी रिलीज करेगा, इसका जो सॉल्यूशन ये इस तरह से आएगा, एनर्जी रिलेटेड विथ प्रोटॉन मतलब आपको मास ऑफ प्रोटॉन इंटू सी स्क्वायर लेना है, एंड मास ऑफ प्रोटॉन एटॉमिक मास यूनिट में पता है ना कितना था, अपना अरे था कि नहीं। सो देयरफॉर एनर्जी ऑफ प्रोटॉन, प्रोटॉन का मास 1. कितना है जल्दी बता, प्रोटॉन का मास अभी लिखे थे ना, मास ऑफ प्रोटॉन, वन मिनट, मास ऑफ प्रोटॉन इज 1.007 यूनिट इंटू सी स्क्वायर। तो थोड़ा सा लॉजिक लगाना, U इंटू सी स्क्वायर की वैल्यू 931.5 है, तो एनर्जी एसोसिएटेड विद प्रोटॉन, तो प्रोटॉन के मास में आपको इतने का मल्टीप्लाई कर देना तो प्रोटॉन से रिलेटेड एनर्जी आपकी कैलकुलेट हो जाएगी। तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी इस तरह से क्वेश्चन बनते हैं, ध्यान रखना ये सीधे सीधे है ना। तो इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग अभी, ये मैंने 1 मिनट, हाँ ये लास्ट वाला फिगर तो सही है 931.5, यहाँ पे (9×10⁻¹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 
इतना, ठीक है। तो प्रोटॉन से एसोसिएटेड एनर्जी निकल गई, U into C square ये वैल्यू है, तो आपको सिर्फ यहाँ पे इतने का मल्टीप्लाई करना है, ऐसे इलेक्ट्रॉन के लिए, ऐसे प्रोटॉन के लिए। तो NCERT है आपके पास में, NCERT से ये न्यूक्लियर फिजिक्स वाले टॉपिक को एक बार रीड करो आप लोग, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, समझ गए? हेलो, अरे समझ गए, कहाँ गए, सो गए क्या? आज के लिए इतना ही, आज के लिए इतना ही, अब ज्यादा नहीं, ठीक है।